हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला वाली नीतू निगम। आज मैं आपके लिए क्लास फर्स्ट मैथ के एसओएफ के क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आई हूँ 2024-25, जो कि चार सेक्शन में बटा रहता है। लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शन। फर्स्ट तीन सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन आते हैं एंड लास्ट अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 35 क्वेश्चन रहेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन हम लॉजिकल रीजनिंग देखते हैं, जिससे कि 10 क्वेश्चन रहेंगे। देयर इज अ सर्टन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर ऑन द आइदर साइड ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ गिवन पेयर एंड फाइंड द मिसिंग फिगर। यहाँ पर इसके रिलेशनशिप बताए गए हैं, डॉग कैनल में रहता है। इसी प्रकार ये पॉन्ड्स है, पॉन्ड्स का किसके साथ यहाँ पर रिलेशन हो रहा है, तो डॉग के घर कैनल हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर फिश पानी में रहता है, तो फिश का घर ये पॉन्ड हो गया, तालाब। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस इज नॉट अ प्रेजेंट इन गिवन फिगर। ये चार में से कौन सा लाइन इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये हमें देखना है। तो चलिए, सबसे पहले ए है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन इस तरह का होता है, सीधी लाइन, ये इस तरह वर्टिकल लाइन, ये हमारे यहाँ दिख रहा है वर्टिकल लाइन, यहाँ पर, यहाँ पर। नेक्स्ट है स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन इस तरह रहता है, जैसे ये हमारा स्लैंटिंग लाइन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका कर्व लाइन। कर्व लाइन जैसे ये आपका कर्व लाइन हो गया। और लास्ट हो जाता है हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन ये सीधी लाइन रहती है, इस तरह सीधी लाइन, जो इस फिगर में हमें नहीं दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थ्री, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, क्लास थर्ड के भी आपको 2024-25 के मैथ के क्वेश्चंस पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी। अगर आपका बच्चा क्लास थर्ड में है या आप क्लास थर्ड के क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और आपको हमारा ये समझाना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर डैश पेपर्स सिटिंग ऑन द कैमल। कैमल पर कितने लोग बैठे हुए हैं, ये क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। तो कैमल पर 1 और 2, सिर्फ हमें कैमल पर ही बताना है। पीपल सिटिंग ऑन द कैमल, कैमल पर कितने लोग बैठे हैं, तो 2 लोग बैठे हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लेटर डैश इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द राइट एंड। सबसे पहले बच्चों को ये ध्यान देखना है कि यहाँ पे राइट किधर से हो रहा है, लेफ्ट किधर से हो रहा है। यहाँ पर राइट ये लिखा गया है, तो राइट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इधर से हमको काउंटिंग करना है। राइट से सिक्स्थ फॉर्म, राइट से सिक्स्थ पोजीशन पे कौन सा लेटर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट इधर से शुरू हो रहा है, तो सिक्स पोजीशन पे आई है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, If yesterday was Wednesday, if yesterday was Wednesday, तो then tomorrow will be। तो yesterday Wednesday है, यानी बीता हुआ कल, तो today क्या हो जाएगा हमारा, Thursday। और next tomorrow, आने वाले कल में फिर क्या हो जाएगा, tomorrow Friday। तो correct answer क्या हो गया, option B। Next question number 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट लुक लाइक अ सिलेंडर। इसमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट जो सिलेंडर की तरह दिख रहा है, तो दिस इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बी शेप जो है सिलेंडर की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मिसिंग नंबर द गिवन नंबर पैटर्न। यहाँ पे एक नंबर पैटर्न दिया गया है और इस क्वेश्चन मार्क की तरह हमें बताना है कि यहाँ पे कौन से नंबर्स आएंगे। नंबर पैटर्न हम देख लेते हैं, 17, 14, 11, 8। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 17 माइनस 3 14, 14 माइनस 3 11, 11 माइनस 3 8। अब 8 माइनस 3 अगर हम करते हैं, 8 माइनस 3
फाइव, ये क्या हो रहा है फाइव, एंड फाइव माइनस थ्री अगर हम करते हैं तो ये टू हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर नंबर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, फाइव। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फाइव। क्वेश्चन नंबर एट, टू ग्रुप्स ऑफ लेमन्स सच एज कैन बी फॉर्म द गिवन लेमन्स। ये कितने लेमन्स दिए गए हैं, पहले तो हमें ये काउंट करना है और इसको फिर दो ग्रुप में डिवाइड करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन। यहाँ पे फोर्टीन लेमन्स है तो दो ग्रुप में बांटना है। तो फोर्टीन, सेवन प्लस सेवन हमारा हो जाता है फोर्टीन। तो सेवन सेवन का दो ग्रुप हो जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। यहाँ पर एक ग्रुप ये हो गया सेवन एंड दूसरा ये ग्रुप हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए सेवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड नंबर। यहाँ पे इसमें से कौन सा ऑड ऑब्जेक्ट्स है, तो इसमें से ऑड ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं। ए स्पून, बी पेंट ब्रश, सी ग्लास एंड डी प्लेट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए सी एंड डी, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स जो है हमारा खाने से रिलेटेड, जबकि बी एक पेंट ब्रश है पेंटिंग से रिलेटेड। दिस इज ऑड वन आउट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थीनर देन पेंट। थीनर का मतलब होता है पतला, यानी इस ऑब्जेक्ट से यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा पतला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मैथमेटिकल रीजनिंग अब स्टार्ट होता है, लॉजिकल रीजनिंग अपनी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेंटेंसेस रिप्रेजेंट द गिवन पिक्चर्स। यहाँ पे ये कौन सा रिप्रेजेंट हो रहा है इसे हमें चेक करना है। देखिए यहाँ पे क्रॉस करके बताया जा रहा है कौन सा नंबर है। पहले तो टोटल नंबर्स हम देख लेंगे, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन। तो यहाँ पर ये आपका हो गया थर्टीन। थर्टीन में से जो क्रॉस किया हुआ है उसको हमें माइनस करना है। तो कितने क्रॉस किए गए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सिक्स क्रॉस किए गए हैं। तो थर्टीन माइनस सिक्स इजकल टू, टोटल कितने बच रहे हैं, तो सेवन बच रहे हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो थर्टीन माइनस सिक्स इजकल टू सेवन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, थर्टीन माइनस सिक्स इजकल टू सेवन। आई नो ये पिक्चर थोड़ा सा आपको डबल क्रॉस किया हुआ दिख रहा होगा, ये पहले से सॉल्व किया गया था इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा, जबकि इस तरह हमें क्रॉस से सॉल्व करना है। चलिए डोंट माइंड, आगे हम बढ़ते हैं। चूँकि हमारे पास ये फ्रेश क्वेश्चन पेपर हमें नहीं मिल पाया था तो हमने दूसरे से ही फोटो लेकर इसका हम बना रहे हैं वीडियो, पीडीएफ ही हमारे पास नहीं आ पाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गिवन टॉय बाइक इज हैंड लॉन्ग, इसको हम हैंड पेन बोलते हैं। हैंड पेन, हैंड पेन यानी हाथ से मापने के लिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बाइक कितने हैंड पेन है। तो यहाँ से चलिए इसको हम यहाँ से ये हैंड पेन से लेके यहाँ तक हो गया, तो कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव, ये फाइव हैंड पेन हो रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट क्वाइंस एंड नोट्स वर्थ 75 रुपीज। इसमें से कौन सा ऐसा क्वाइन है जो 75 रुपीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 20, 20, 25, यानी 60 प्लस 5 ये हो गया 65। देन है 50 प्लस 20 प्लस 5 ये हो गया 75। ये हमारा 75 रुपीज आंसर आ गया। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 75। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ओलंपियाड एग्जाम में आपको एक फिक्स टाइम ही दिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आपका आंसर फर्स्ट या सेकेंड किसी भी ऑप्शंस में आ जाता है तो हम इन दोनों में आगे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
द नंबर नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर शोन इन द गिवन बोर्ड. इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो बोर्ड में देखिए आपका नंबर शो हो रहा है 71, 52, 18, 60 एंड 85. तो 18 नंबर्स हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है और 18 की स्पेलिंग हो जाती है EIGHTEE. तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर की तरफ हम बढ़ेंगे. कंपेयर एंड फिल द बॉक्स ऑफ यूजिंग ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू. इस इक्वेशन को, इस क्यूब को हमें सॉल्व करना है और फिर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या होगा. चलिए 5 tens एंड 2 tens मतलब यहाँ पर हो जाता है 5 tens एंड 2 ones 52 प्लस 3 tens एंड 5 ones. इसको भी हमें प्लस करना है तो ये हो रहा है हमारा 5 to 7 एंड 5 or 3 8. नेक्स्ट यहाँ पर 6 tens एंड 7 167 हो गया प्लस 2 tens यानी कि यहाँ पर हो गया 20. इसको भी हमें प्लस करना है तो ये भी हमारा हो रहा है 87. 87 एंड 87 दोनों बराबर हो रहा है तो यहाँ पे हमारा साइन हो गया इक्वल का. सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इज द गिवन फिगर. इस फिगर में ट्रायंगल कितना है ये हमें बताना है. तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल्स बने हुए, इसको काउंट करके हमें बताना है. तो चलिए देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ट्रायंगल हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following activity generally that takes least amount of time. इस एक्टिविटी में हमें बताना है कि सबसे कम समय में कौन सी एक्टिविटी होगी. देखिए स्टडी जो आप घर पर पढ़ते हैं या फिर स्कूल में 3-4 घंटे लगते हैं. ईटिंग्स 20-25 मिनट्स मान के चलते हैं. वॉशिंग हैंड्स 1 मिनट्स या 30 seconds एंड प्लेइंग 1 hour to 2 hours आप खेल सकते हैं. तो सबसे मिनिमम टाइम्स जो है कम समय कौन सी एक्टिविटी में लग रहा है हमें, वॉशिंग हैंड. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग द हैवीएस्ट. अब इसमें से सबसे भारी कौन सा है तो चलिए इसमें देख लेते हैं. यहाँ पर वेट आपको दिया गया है मशीन में, ये आपका हो रहा है 5 kg. फ्रूट बास्केट हो रहा है 5 kg. यहाँ पर ये 3 kg हो रहा है, वेट हम देख पा रहे हैं ये 3 kg हो गया. एंड बुक्स जो है 4 kg, इसका वेट हो रहा है 4 kg. तो सबसे हैवीस्ट कौन सा है, फ्रूट केजी फ्रूट बास्केट. तो करेक्ट आंसर हो गया 5 kg फ्रूट बास्केट ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. 2 tens and 5 ones more than the number shown in the abacus. Abacus को देखकर यहाँ पे कौन सा number show हो रहा है ये हमें बताना है. यहाँ पर ये ध्यान दीजिए 2 tens and 5 ones more than, यहाँ पे question highlight हो रहा है more than यानी इससे ज़्यादा. सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे abacus लिखेंगे 1, 2, 3 यहाँ पे हो जाता है 3 और यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5 ये हो रहा है 55. तो 2 tens एंड 5 ones मोर देन द नंबर शोन इन एबेकस. यहाँ पर एबेकस के हिसाब से कौन सा नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे 2, 5 प्लस यहाँ 53 हो रहा है, इसको हमको मोर देन करना है यानी प्लस करना है. तो 5 or 3 8 और 5 or 2 7 78. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी 78. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following gives the greatest value? इसमें से हमें ये बताना है greatest value कौन सी है. तो सबको हमें यहाँ पर माइनस करना है. तो 65 में से हम जो है
24 को माइनस करेंगे तो 41 होगा, 18 में से 3 करेंगे तो 15, सी में 27 में से 21 करेंगे तो 6 होगा माइनस करके, एंड 48 में से 17 करेंगे तो 31 होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर 41 सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रही है माइनस करके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ऑप्शंस एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, वीडियो बड़ा हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।